नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने के पश्चात अब भारतीय वैज्ञानिक एक स्टेल्थ अटैकिंग हेलीकॉप्टर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और दोस्तों, अटैकिंग हेलीकॉप्टर इसलिए भी भारत के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत की अधिकतर सीमा पहाड़ी इलाकों से लगी हुई है। ऐसे में फाइटर जेटों से ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर ज़्यादा रोल निभा सकते हैं दुश्मन के चीथड़े उड़ाने में। और दोस्तों, बॉर्डर के एरिया के हिसाब से मेजरमेंट करते हुए HAL एक स्टेल्थ और लाइट वेटेड हेलीकॉप्टर बना रहा है, जिसका एक प्रोटोटाइप भी भारतीय वायुसेना के लिए सौंप दिया गया है। और दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर पूरी तरीका से स्टेल्थ होगा, इसे दुश्मन की किसी भी रडार के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। साथ ही जो इसका वजन है वो लगभग 13 टन के आसपास होगा। साथ ही इसे पहाड़ी इलाकों में स्पेशली ऑपरेशन करने के लिए इसको डिजाइन किया जाना है। और दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जो कि HAL के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इसको आप एक प्रकार से उड़ता हुआ तोप भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें आप कई प्रकार की मिसाइलें एक साथ लगा सकते हैं। इसके साथ ही कई प्रकार के रॉकेट ये दाग सकता है और इसके माउथ पर एक ऑटोमेटिक फायर मशीन गन भी लगी हुई होगी। मिसाइलों की बात करें तो यह एंटी टैंक, इसके साथ ही एयर टू सरफेस वार करने वाली और एयर टू एयर अटैक करने वाली कई सारी मिसाइलों को एक साथ लॉन्च कर सकता है और अपने साथ बहुत ही भारी भरकम गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही इसकी एक और बड़ी खासियत है कि दुश्मन से यदि इस हेलीकॉप्टर को मारने के लिए किसी प्रकार की मिसाइल फायर की जाती है तो इस मिसाइल में DRDO के द्वारा एक स्पेशल जैमिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से उस मिसाइल को 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में भी वहीं पर जैम कर दिया जाएगा, जिससे इस हेलीकॉप्टर को दुश्मन की मिसाइल से किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। और दोस्तों, इस कैपेबिलिटी के चलते हमारा यह स्वदेशी हेलीकॉप्टर अमेरिका या फिर कहें दुनिया के सबसे एडवांस अपाची हेलीकॉप्टर से तक टेक्नोलॉजी के मामले में एक कदम आगे रहेगा। खैर दोस्तों, वायुसेना को इसका एक प्रोटोटाइप मिल गया है और अब वायुसेना इस हेलीकॉप्टर के ऊपर विचार करेगी कि HAL को इसका ऑर्डर देना है या नहीं। बाकी आप सभी इस हेलीकॉप्टर को बनाने को लेकर क्या राय देंगे, कमेंट बॉक्स में भी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।